दोस्तों 90 का दशक बॉलीवुड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस समय कई नए चेहरे ने न केवल बॉलीवुड में पैर जमाए हैं बल्कि उनका राजतंत्र आज भी जारी है। हाँ, जबकि 90 के दशक के कुछ कलाकार अभी भी अपनी स्क्रीन फैला रहे हैं और कुछ पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इस एपिसोड में एक कलाकार का नाम है जो अब अभिनय नहीं कर रहा है बल्कि एक सुपरस्टार है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस अभिनेता के बारे में। 90 के दशक में बॉलीवुड में पदार्पण करने वाले अभिनेता करण साहा का करियर अच्छा नहीं रहा। फिल्म में जाना एक बड़ी हिट थी लेकिन इसके बाद उन्होंने 4 में से 3 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई जो हिट नहीं हुआ, और बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जुड़ने के बावजूद वह बहुत कुछ नहीं पा सकी। और बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख अपनाया लेकिन केवल असफल रहे। करण साहा ने अपनी असफलताओं को नहीं छोड़ा लेकिन आज उन्होंने खुद को बड़े अभिनेताओं के सामने झुकने में सक्षम बनाया है। करण साहा, जिन्होंने खुद को बॉलीवुड अभिनेता के रूप में नाम कमाया और लंबे समय तक एक अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में नहीं टिक सके, उन्हें एक लघु फिल्म के बाद फ्लॉप अभिनेता का खिताब मिला और फिर उनका जीवन पटरी से उतर गया। और उन्हें फिर से खड़ा होने के लिए समर्थन की ज़रूरत थी जिसके लिए उन्होंने छोटे पर्दे पर रुख किया। हालांकि उनके पास बॉलीवुड में अभिनय करने में सफल होने के बारे में कोई योग्यता नहीं थी और इसके बाद उन्होंने एक से अधिक धारावाहिकों में अभिनय किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब वे क्या करते हैं, और अभिनय में असफल होने के बाद करण साहा ने प्रोडक्शन में अपना करियर बनाया और सफल रहे। जी हाँ दोस्तों, आज करण साहब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान साहब तक सभी उनके सामने झुकते हैं। और आपको बता दें कि करण साहा आज एक जाने माने निर्माता हैं और रिलायंस बिग पिक्चर्स की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई फिल्में की है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, और बॉलीवुड में शामिल होने से पहले करण साहा सफलता प्राप्त करने के लिए अपना नाम बदलने वाले पहले व्यक्ति थे। जी हाँ, करण साहा का असली नाम संजय साहा था लेकिन वह जानता था कि यह नाम उसे सफलता नहीं दिलाएगा और इसीलिए उसने अपना नाम बदल लिया। और यह उल्लेख किया जाता है कि करण साह के अलावा कई अभिनेताओं ने भी अपने वास्तविक नामों को बदलकर बॉलीवुड पर राज किया, और यही कारण है कि करण साह को भी इस रास्ते पर चलना पड़ा। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही करण साह का जन्मदिन था तो हम लोगों की तरफ से करण साह को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग।